हेलो फ्रेंड्स, आशीष हियर फॉर सिंपल सुपर टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने Note 2T में स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें हम देखेंगे क्या क्या मेथड्स हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय क्वालिटीज चेक करेंगे, उसमें आपका माउस या फिंगर का जो डायरेक्शन है वो सेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखेंगे, कैसे आप एडिट कर सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना बहुत सिंपल है, आपको 3 फिंगर स्वाइप डाउन करना है और ये स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो उसको यहाँ पे ऐसे प्रीव्यू कर सकते हो और एडिट वगैरह कर सकते हो, डूडल कर सकते हो, बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट में कुछ एडिट वगैरह करना हो तो आप वो कर सकते हो। इन केस अगर आप लंबा कोई चीज़ का, यानी कि स्क्रॉलिंग विंडो जहाँ तक एक वेब पेज हो गया, कुछ भी इस तरह का चीज़ पकड़ लो, अगर वैसा कुछ है और उसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आपको पहले तो 3 फिंगर स्वाइप डाउन करना हो, फिर यहाँ स्क्रॉल का ऑप्शन आएगा और ये ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग करेगा। बहुत ही स्टैंडर्ड फीचर हो गया, नथिंग आउट ऑफ द ब्लू। और उसके बाद जब आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग खत्म तो अपने आप डन हो जाता है। या आप जब भी एक स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रॉलिंग वाला तो आप ऑटोमेटिकली भी प्रेजेंट कर सकते हो डन करके। उसके बाद या तो आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो या चाहो तो सिंपली उसको एडिट कर सकते हो, उसमें कुछ कुछ ऐड कर सकते हो, डूडल वगैरह कर सकते हो, ये सब फीचर्स अवेलेबल है। तो ये तो हो गया स्क्रीनशॉट लेने का और एडिट करने का तरीका। लेकिन यहाँ पे आपको क्योंकि वन प्लस में ऑलवेज एनहांस फीचर मिले हैं तो आप अगर सेटिंग्स में स्क्रीनशॉट में जाओगे तो आप देख सकते हो 3 फिंगर स्वाइप डाउन का गेस्चर, 3 फिंगर टच एंड होल्ड का भी ऑप्शन। यानी कि अगर मैं ऐसे 3 फिंगर रखता हूँ और होल्ड करता हूँ उसके बाद मैं चाहूँ तो जहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। यही नहीं, आप चाहो तो पीछे का बैकग्राउंड भी आगे पीछे कर सकते हो और जो चाहिए उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आपको पावर बटन, वॉल्यूम डाउन का ऑफकोर्स ऑप्शन मिलता है और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। अगर एक्सीडेंटल स्क्रीनशॉट्स आप काफ़ी ले लेते हो इस चक्कर में तो ये ऑप्शन है। उसके बाद डिलीट ओरिजिनल आफ्टर एडिटिंग, ये भी आप कर सकते हो अगर आपको जगह सेव करनी है। स्क्रीनशॉट साउंड जो है उसको आप ऑफ कर सकते हो अगर आप नहीं चाहते किसी को भी पता चले आपने स्क्रीनशॉट लिया है। उसके अलावा जो ये प्रीव्यू आता है इसको आप लेफ्ट राइट कर सकते हो, यानी कि ये यहाँ पे आ गया और अगर मैं लेफ्ट में रखता हूँ तो जो डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया स्क्रीनशॉट के बारे में सब कुछ। अब हम बात करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगेन एक स्टैंडर्ड फीचर सारे फ़ोन्स में आता है आपको, और ये आपको सबसे अच्छा एक्शन सेंटर में मिल जाता है। तो आप एक्शन सेंटर में जाओ और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। इसको आप अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाएगा जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, यानी कि सिस्टम साउंड रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, माइक्रोफोन यूज़ करना है कि नहीं करना, और आप दोनों कंबाइन कर सकते हो, दोनों इंडिविजुअल कर सकते हो या दोनों ऑफ कर दो तो म्यूट ही हो जाता है। उसके अलावा क्या आपको रेजोल्यूशन रखना है, यानी कि 720 1080p तक जाता है। उसके अलावा फ्रेम रेट आप चूज़ कर सकते हो, रिकॉर्ड फ्रंट कैमरा वीडियो, अगेन एक एक्स्ट्रा फीचर जो मिल रहा है आपको वो है कि फ्रंट कैमरा चालू रहेगा जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे, इसको हम अभी ट्राई कर लेंगे। शॉर्ट स्क्रीन टचेस, यानी कि आपका फिंगर कहाँ है वो दिखाएगा। वीडियो कोडिंग फॉर्मेट, अगेन आप चाहो तो 265 में स्विच कर सकते हो जगह बचाने के लिए, और अब तो मोर ऑर लेस सब फोन्स ही सपोर्ट करने लग गए हैं तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता कैसे है। तो आपको क्या करना है, सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ दबाना है, फर्स्ट टाइम करो तो एग्री, परमिशन दे दो, ऑडियो सबका ये सब आप दे दो, और उसके बाद आप देखोगे आपके यहाँ पे एक फ्लोटिंग बैनर टाइप का आ जाएगा जिसको कि आप टैप करोगे तो ये रिकॉर्ड शुरू हो जाएगा। ये बैनर है इसका, आप इसको कहीं भी रख सकते हो, ये ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाएगा जब रिकॉर्डिंग आप शुरू करोगे। तो ये मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और आप देख रहे हो कि फ्रंट कैमरा भी आपके पास आ गया, इसको आप कहीं भी रख सकते हो। और उसके बाद आपको जो भी रिकॉर्ड करना है वो आप यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई ऐप खोलना है तो ऐप खोल सकते हो, आपको ब्राउज़र लॉन्च करना है ब्राउज़र लॉन्च करिए, जो भी आप करना चाहो, जिस चीज़ के लिए भी आप रिकॉर्डिंग बना रहे हो उसको आप कर सकते हो। ये होने के बाद जब भी आपको स्टॉप करना है तो वापस यहीं पर आइए और स्टॉप बटन दबाइए,
और ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। इस पर अगर आप टैप करोगे तो ये एडिट मोड में आ जाएगा और आप देख सकते हो कि फ्रंट कैमरा का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। उसके अलावा आप इसको एडिट कर सकते हो, क्रॉप, कोई पार्ट आपको ट्रिमम करना है, ये सब म्यूज़िक ऐड करना है, तो काफ़ी तरह के आपकी क्रिएटिविटी ही आपकी लिमिट है। तो बस यही कुछ। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने Note 2T में स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्शियल स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।